हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्यसाची ब्लाउज की फुल कटिंग करना सीखेंगे 34 साइज में। इसको हम आज डायरेक्ट कपड़े पे काटेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार कट कर रहे हो और बिगनर हो तो आप पहले पेपर पे कट कर लें फिर कपड़े पे कट करें, इससे आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेन कपड़ा है और हमने 80 सेंटीमीटर की लाइनिंग ली है। सबसे पहले हम लोग अपनी लाइनिंग की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट काटेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा बैक और फ्रंट दोनों फोल्डेड पार्ट रहेगा, इसमें हम साइड हुक लगाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले कपड़े को टू फोल्ड करके रख लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेते हैं और यहाँ से अपनी लेंथ लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी लेंथ 13 इंच है, तो हमने 1 इंच मार्जिन का प्लस किया है। और देखिए, शोल्डर हमने 5 इंच लिया है फ्रेंड्स, 34 चेस्ट साइज का है। आर्म होल 5.5 लेंगे, ये हमारा ब्लाउज डीप नेक में बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट हमारा 34 है, 34 के अकॉर्डिंग उसका 1/4 8.5 इंच लेंगे, चौथाई भाग, 2 इंच मार्जिन का रखेंगे। फ्रेंड्स, देखिए लाइन को इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल का शेप देंगे फ्रेंड्स, इसमें हम 1/2 इंच बाहर की साइड ले लेते हैं। हमारा नॉर्मल साइज होता है तो हम 1/2 इंच लेते हैं, हैवी साइज में 1 इंच लेते हैं फ्रेंड्स आर्म होल के लिए, क्योंकि ये हमारा शोल्डर इसमें कम होता है। और देखिए, आर्म होल का शेप दे देते हैं। कमर हमारी 28 है फ्रेंड्स, 28 का चौथाई भाग लेंगे 7 इंच और एक इंच हम डार्ट कर लेंगे 2 इंच मार्जिन का। आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रखें, हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लिया है। और देखिए, लाइन को मार्क कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड, डीप नेक में हम गले की साइड 1/2 इंच डाउन करते हैं इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, कट लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारा फोल्डेड ही रहेगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम फोल्डेड साइड में अपने बैक पार्ट को रखेंगे और स्टिच बैक पार्ट को उतार लेंगे। ये हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, उसका फ्रंट पार्ट। ये देखिए, सेम हमने बैक पार्ट को उतार लिया है और बैक पार्ट को हटा लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम आर्म होल पे गहराई का मार्क कर लेते हैं, 1/2 इंच पे गहराई देंगे फ्रेंड्स। ये हमारा शोल्डर पहले ही कम है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा गहराई नहीं देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज में हमारा गला थोड़ा ब्रॉड होता है, इसलिए हम इसमें शोल्डर की पट्टी 2 इंच रखेंगे। बाकी जितना हमारा कपड़ा रहेगा हम सारा गला कर देंगे। तो इस तरह से हमारा गला 3 इंच आया है और गले की लेंथ हम इसमें 9 इंच रखेंगे फ्रेंड्स। सब्यसाची ब्लाउज की गले की लेंथ थोड़ा ज़्यादा होती है, 10-11 इंच तक होती है। तो देखिए, हमने एक लाइन गले की 9 इंच पर मार्क की है, 1.5 फ्रेंड्स। और देखिए, हम इसमें 5 शेप देंगे इस तरह से, और जहाँ तक हमने 9 इंच का मार्क लगाया वहाँ तक इस गले को खोलेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस शेप में, और देखिए अपने टक्स पॉइंट की लेंथ लेंगे फ्रेंड्स। तो ये 8.5 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने टक्स पॉइंट 10 इंच पे लिया है इस तरह से। और इसकी चौड़ाई देखिए, चेस्ट का 10वां लेते हैं फ्रेंड्स। जितना हमारा चेस्ट होता है उसके बीच में हम पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारा चेस्ट का 10वां निकल आता है इस तरह से। और देखिए फ्रेंड, जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ पे है उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे भी एक लाइन इस तरह से सीधी कर लेंगे। और जितनी डाट की हमारी चौड़ाई है फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका शेप देंगे। देखिए, 3.4 पे हमने इस 10 लाइन को खींच लिया है। और देखिए, डाट के लिए हम ये मार्क लगाएंगे, 1 इंच की डाट हम चौड़ाई में लेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से इस डाट को तिरछी लाइन करके मिला लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप दें। हमारी बेल्ट 3-2 है फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्क किया है। आपकी जितनी भी बेल्ट हो इसी के अकॉर्डिंग आप मार्क करें। देखिए, इस तरह से इसको मिला लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जहाँ हमने अपने डार्ट का मार्क लगाया है वहाँ से इस तरह से इसको तिरछा मिलाएंगे इस तरह से। और देखिए, आर्म होल के साइड से हमें इस तरह से शेप देंगे फ्रेंड्स। जो आर्म होल के पास हमारी एक डार्ट पड़ती है वहीं से हम इसको ले आएंगे। और देखिए, जो गले की साइड हमारी डार्ट पड़ती है फ्रेंड्स, उसी की डार्ट में ला के इस शेप में मिलाएंगे। आप इस शेप को इस तरह से बनाएं ताकि हमारा शेप अच्छा लगे। देखिए, यहाँ पे हमारी 1/2 इंच की जो डार्ट पड़ती है गले की साइड, उसी के अकॉर्डिंग हमारा शेप आया है। और देखिए फ्रेंड, बेल्ट के पास हल्का सा हम राउंड दे देते हैं इस तरह से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी बेल्ट की मार्किंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से नापेंगे। हमारी कमर 28 है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग 1/4 लिया है और 2 इंच मार्जिन का इस तरह से लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो 1 इंच हमारा इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। आप अपने सिलाई के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मार्क को मिला लेंगे।
इस तरह से हमारा मार्क पूरा हो गया है फ्रेंड्स इसमें। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को काटेंगे ताकि हमारा सेफ कपड़ा निकल जाए, हमको बेल्ट काटने में आसानी रहे। इसी को नाप के अपनी बेल्ट निकालेंगे फ्रेंड्स। और देखिए जैसे हमने मार्क लगाया है उसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी डार्ट पड़ेगी फ्रेंड्स जिससे हमारा पफ बनेगा। आर्म होल को भी कट कर लेते हैं, हमने गहराई दी थी। और देखिए फ्रेंड्स इस राउंड वाले शेप को भी कट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे कट लगा लेंगे ताकि हमको पता चले कि यहीं से हमको अपना डार्ट वाला पॉइंट जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से। गले को भी कट कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कट करके हम पूरा गले को निकाल देते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, अलग कर लेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट का हमारा दो पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा पार्ट कट करेंगे जो हमारा बेल्ट होगा। तो देखिए इस तरह से अपने बेल्ट के लिए हम कपड़े को लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा पार्ट फोल्ड है। अब यहीं से अपने बेल्ट के लिए कपड़े को मार्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बेल्ट को नाप लेते हैं तो हमारी बेल्ट यहाँ पे 3.5 इंच आ रही है, उसमें हम 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे। 4.5 इंच की एक सीधी पट्टी काट लेंगे अपने कमर के अकॉर्डिंग। हमारी कमर 28 है, उसका चौथाई लेंगे फ्रेंड्स 7 इंच और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से इतना कपड़ा हम निकाल लेते हैं बेल्ट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा एक साइड पार्ट फोल्डेड है। और यहाँ पे देखिए हम 1 इंच मार्जिन का पहले निकाल लेंगे जो हमारी सिलाई में जाएगा। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। अब बेल्ट को नापेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमारा आर्महोल की साइड 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। और इधर 3.5 इंच फ्रेंड, तो 3.5 इंच में मार्क कर लेते हैं इस तरह से। और देखिए इस तरह से हम बेल्ट का शेप देंगे फ्रेंड्स हल्का गुलाई देते हुए। अगर आप इस तरह से बेल्ट का शेप ना दे पाए फ्रेंड्स, देखिए 2.5 इंच जैसे हमारा इधर है उस तरह इस साइड भी ले लेंगे और लाइन को सीधी मार्क कर लेंगे। और ऐसे देखिए इस तरह से करके हम अपने बेल्ट का शेप दे देते हैं फ्रेंड्स। आपको जैसा इजी लगे उसी अकॉर्डिंग आप बेल्ट का शेप दें। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी बेल्ट भी कंप्लीट हो गई है। नाप लेते हैं, देखिए हमारा 9 इंच पूरा है फ्रेंड्स, 7 इंच की कमर है हमारी और 2 इंच मार्जिन का। ये देखिए हमारा तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रंट का इस तरह से। यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अपने स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड कर लेंगे स्लीव कट करने के लिए। तो हमारे स्लीव की लेंथ 3.5 है फ्रेंड्स, हमने उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 4.5 इंच लिया है। और देखिए चौड़ाई हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं फ्रेंड्स, चेस्ट का चौथाई, तो हमने 8.5 इंच भी इस तरह से मार्क कर लिया है। और कपड़े को कट करके निकाल लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आप बिगनर हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही कट करें। ये देखिए फ्रेंड्स जहाँ पे हमने ये मार्क किया 8.5 इंच पे, वहाँ से 2 इंच ऊपर लेंगे और फिर वहीं से 2.5 इंच कम करेंगे फ्रेंड्स स्लीव का शेप देने के लिए। अगर हमारी छोटी स्लीव होती तो हमने 2.5 इंच कम करना है, और लंबी 3/4 स्लीव में फ्रेंड्स हम 3 इंच 3.5 इंच कम करते हैं। और देखिए 2 इंच का इस तरह से मार्जिन रखेंगे, जितना मार्जिन आप अपने पार्ट में रखें उसी के अकॉर्डिंग स्लीव में भी रखें फ्रेंड्स। और इसको कट कर लेते हैं, कट लगा लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए इसको खोल लेंगे और जो हमारा पार्ट आगे की साइड आएगा उसमें हम गहराई देंगे आर्म होल के साइड पे। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से स्लीव कट करने पर हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट आती है। आप एक बार ट्राई जरूर करिए, अगर आपसे इतना बन रही हो तो फ्रेंड्स थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही लेके रखें। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अपने बैक पार्ट पे हम डिजाइन का शेप देंगे। तो देखिए हम शोल्डर 2 इंच रखेंगे फ्रेंड्स। हमारा गला जैसे हमारा फ्रंट पार्ट में गला है उसी के अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई लेंगे। और गले की लंबाई फ्रेंड्स नीचे से हम लेते हैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के 3 इंच की पट्टी रखेंगे। और ब्रॉडनेस जितनी हमारे ऊपर उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे भी रख लेते हैं फ्रेंड्स।
यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम एक मटका शेप देंगे, फिर उसमें से डिजाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए फ्रेंड 1.5 इंच हम इस तरह से नीचे की साइड लेके एक तिरछी शेप बनाएंगे इस तरह से करके। और देखिए फ्रेंड्स एक हम अलग शेप बनाएंगे इस पर, तो एक हम ढक्कन ले लेते हैं जिससे हमारा शेप इक्वल आएगा। तो पहले हाफ ढक्कन को रखेंगे, ये देखिए इस तरह से करके फ्रेंड्स शेप देंगे हम। फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गले का शेप दे सकते हैं, लेकिन सभी सच्ची ब्लाउज थोड़ा डीप नेक पे ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह का शेप देंगे अपने गले पे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा शेप बन के आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा शेप आएगा गले का, और इसको कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। गले को अभी हम नहीं कट करेंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड भी गले को उतार लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से इसको सिलाई करने में बहुत आसानी रहती है, और हमारा गला एकदम परफेक्ट बैठता है फ्रेंड्स। आप चाहे इसी शेप में आप पेस्टिंग भी कट कर लें, पेस्टिंग पेपर या बुकरम फ्रेंड्स। हम डायरेक्ट किसी कपड़े पर डिजाइन बनाएंगे इस तरह से हमारी लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब सेम इसी तरह से अपने कपड़े पे कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारा सारा पार्ट कट के आया है फ्रेंड्स। देखिए आपको वीडियो कहीं भी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।